हाय फ्रेंड्स, तो आज देखिए कैसे आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो स्पेसिफिकेशन है, मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन या कंप्यूटर की रैम, हार्ड डिस्क या कुछ भी हो, डीएमए चैनल, आईआरक्यू कितना है, मदरबोर्ड में साटा पोर्ट कितना है या पाटा पोर्ट कितना है, ये सब जान सकते हैं। तो कैसे आप जान सकते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस है। तो आज मैं वही दिखाऊंगा कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले रन में जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा MSINFO32, उसके बाद इंटर कीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला विंडो आएगा, यहाँ पे देखिए पहले दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा जो विंडोज ओएस का वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, मेरा 10 है कंप्यूटर में, इसलिए 10 दिखा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम कितना है वो भी दिखाएगा। यहाँ पे टोटल फिजिकल मेमोरी मेरा 2 GB है कंप्यूटर में, 2 GB दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अवेलेबल है, मतलब अभी यूज़ नहीं हुआ है, 795 इतना है, अभी यूज़ नहीं हुआ है। वर्चुअल मेमोरी जो है, वर्चुअल मेमोरी दिखा रहा है यहाँ पे, 7 GB का है वर्चुअल मेमोरी। और आप कंपोनेंट में जाके, आप फिर कंपोनेंट में जाके सब सीडी रोम, साउंड डिवाइस, डिस्प्ले ये सब देख सकते हैं। हार्डवेयर में जाके आप देख सकते हैं, मेमोरी में जाके आपका जो मेमोरी ये सब देख सकते हैं। और फिर कंपोनेंट में है सॉफ्टवेयर में जाके सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोरेज, हाँ यहाँ पे जाके आपका जो कंप्यूटर मदरबोर्ड में कितना साटा पोर्ट है या पाटा पोर्ट है आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है थोड़ा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आटा चैनल 0 इसका नाम है, ठीक है। IRQ14 जो ड्राइवर है, ड्राइवर का नाम है। ऐसे आप कंप्यूटर में फुल डिस्क्रिप्शन या कंप्यूटर के जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे आप जान सकते हैं, कोई भी हो, हार्ड डिस्क या जो मदरबोर्ड है कंप्लीट या रैम, कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन जो है जानना चाहते हैं तो ऐसे आप जान सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।